सर आपका जो चुनाव था बीजेपी का क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के प्रति, क्या पहले से आश्वस्त थे? ऐसे है, बीच से तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उन्होंने पंचकूला में जो 4,000 करोड़ रुपए के काम किए हैं उसका ही ये नतीजा है। सर एक मिनट, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो संगठित है, मेहनती है, इसीलिए हमारी समीक्षा बैठक जो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी चुनाव के बाद, उसमें कहा जा रहा था कि 20 के 20 सीटें लेकर जाएंगे, आप क्या कहते हैं कितनी सीट आएंगी आपकी मेयर समेत? 10 की जो गिनती है उसमें तो 7 जीत रहे हैं, मतलब क्या है भी रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे, सीट एक आध ऊपर नीचे का कोई हम स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता के आभारी हैं जी, उन्होंने जो वार्ड में काम किया। मैं अपने जो हमारे वार्ड के कार्यकर्ता उन सभी का आभारी हूँ, मैं सभी वोटर्स जिन्होंने वोट डाली है, जिन्होंने नहीं डाली है, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भारतीय मैंने तो वैसे भी उस वार्ड में 6 साल से मैंने काम किए हैं और उस काम का ही ये रिजल्ट है। एक मिनट, कितने वोटों का अंतर था आपका जीत का? मेरा जीत का 598 वोटों का अंतर। और क्या मैं संदेश है आपका अभी क्षेत्र की जनता के लिए? सर जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, जीत नहीं मिली है? नहीं, मुझे जो ये जिम्मेवारी मिली है इस जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं तो बिना काउंसलर के भी वहाँ काम किया है और काउंसलर बन के तो जितना मेरे से हुआ जनता के मुताबिक और उनकी इच्छाओं के मुताबिक सारे काम पूरे करवाए जाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।